हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिजल्ट के बारे में, और रिजल्ट के बाद हम एनालिसिस भी करेंगे कि मैनेजमेंट ने कुछ कुछ ज़रूरी बातें कही हैं, तो उसे भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 74,800 करोड़ से बढ़कर 87,700 करोड़ हो गया है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 61,900 करोड़ से बढ़कर 87,700 करोड़ हो गया है, जो कि 41% का इंक्रीज है रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर, जो कि अच्छे संकेत हैं। बट अगर हम प्रॉफिट लॉस देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड तो 2,941 करोड़ था पिछले क्वार्टर, और इस क्वार्टर लॉस है 7,585 करोड़ का। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो 9,800 करोड़ के लॉस से 7,500 करोड़ का लॉस हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है, और वो उसका मेन रीज़न है जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट आया। और जब भी लॉकडाउन लग रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑटो सेक्टर भी हो जाते हैं, ऑटो सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आता है कोई भी लॉकडाउन का, क्योंकि कोई कार्स नहीं खरीदता। और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो 11,900 करोड़ से लॉस से अब ये लोग 13,400 करोड़ आसपास लॉस में चले गए हैं, तो लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये थे, और अगर हम एक बार एक सम अप करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इस ईयर ऑन ईयर 41.8% इंक्रीज है रेवेन्यू का, एबिटा 870 BPS, और एबिट परसेंटेज 1,120 बेसिस पॉइंट्स। और अगर हम पूरे साल के रेवेन्यूज की बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो आप देख सकते हैं 4.3% डाउन हुआ है जो हमने बात की थी। और जैगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स के अलग से बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जैगुआर लैंड रोवर में बोला है कि इट रिफ्लेक्टेड अ स्ट्रॉन्ग ईयर टू ईयर रिकवरी ऑफ रिटेल्स इन चाइना एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जैगुआर और लैंड रोवर का जो मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा वो दिखा चाइना और नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद इन्हें पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज में मिले 0.7 बिलियन यूरोस के, और सेल्स में थोड़ी रिकवरी हुई, और फेवरेबल मिक्स एंड चार्ज प्लस डिलीवरी, तो ये सब थोड़े इनको बेनिफिट्स मिले। और इनका एम है, जैगुआर लैंड रोवर जो इनका वो है, उनका एम है कि टू मेक दिस कंपनी अ वर्ल्ड लीडर इन इलेक्ट्रिफाइड लग्जरी व्हीकल्स, सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस विच शेल क्रिएट्स लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। और ये बात एकदम सही है, ये लोग लग्जरी व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट अपने लग्जरी व्हीकल सेगमेंट को, और ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो ये इनका एम्बिशन काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अगर हम टाटा मोटर्स का खुद का देखें तो इंडियन ऑपरेशंस कंटिन्यूड इट्स स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी इन द क्वार्टर विद सीवी रेवेन्यूज, कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यूज रिकवरिंग टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, एंड पैसेंजर व्हीकल रेवेन्यूज रीचिंग मल्टी ईयर हाइज ऑन द बैक ऑफ न्यू फॉर एवर पोर्टफोलियो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि पैसेंजर व्हीकल एब्सोल्यूट एबिटा इज द हाइएस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स, और कैश सेविंग्स ऑफ 9,300 करोड़ वॉज डिलीवर्ड अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 6,000 करोड़। तो इनके जो कैश सेविंग्स है वो भी टारगेट से ज़्यादा मिले हैं। बट अगर हम आउटलुक की बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है कि वाइल डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग द सप्लाई सिचुएशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय COVID-19 लॉकडाउन्स और जो सेमी कंडक्टर शॉर्टेज है। तो इन्होंने बोला है कि जो Q1 क्वार्टर वन है अगले फाइनेंशियल ईयर का, वो वीक होगा, थोड़ा रिलेटिवली वीक ड्यू टू दिस जो हमने बात की लॉकडाउन्स के कारण, और जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, और जो राइजिंग कमोडिटी इन्फ्लेशन है, तो ये इन दोनों रीजंस के कारण आपको थोड़ा सा क्वार्टर वन में इफेक्ट दिखेगा मार्जिन्स पे। और इन्होंने बोला है कि वी एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव ग्रेजुअली फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर।
और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि इनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो ये कुछ ज़रूरी ज़रूरी आउटलुक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन्होंने पोस्ट भी किया है अपना ये अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन। और इसके बाद इन्होंने वही सब कहा है कि जो जो सेकेंड वेव के कारण है, उसका मल्टीपल लॉकडाउंस के कारण काफ़ी इफेक्ट आया है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली वीक, ये आप पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इन्होंने बोला है कि सीक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर, तो ये एक ज़रूरी बात है। और अगर हम शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो ये बहुत टाइम तक 290 से 310, 300 इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। काफ़ी समय तक इसने ऐसा ट्रेड किया, काफ़ी कंसोलिडेट हुआ और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आते हुए इसमें देखी शेयर में। तो लॉन्ग टर्म ये काफ़ी काफ़ी वैल्यू वाला स्टॉक है, तो इसे जब भी डिप आए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी आपको अपडेट आएगा टाटा मोटर्स के बारे में तो हम आपको बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।